सरकार हमको डरा नहीं, हम डरने वाले नहीं है।
कम से कम मैं और गोलमा तो डरने वाले नहीं है, मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। डरने वाले नहीं है, मैं कदम पीछे हटाने वाले हैं, क्योंकि आपकी मांग बहुत वाजिब है और वाजिब इसलिए मैं सरकार से आरपीएससी से सवाल करना चाहता हूं। जब वसुंधरा सरकार में 5000 पद निकले तो 8 लाख फार्म भरे गए, दोबारा आपने फार्म क्यों भरवाए? भरवाए तो उनको परीक्षा में बैठाओ। आपने 1,56,000 बच्चों के फार्म भरवा लिए, करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लिए, 20 करोड़ रुपए सरकार ने वो जेब में डाल लिए जो 3 जनवरी को होने वाली परीक्षा में बच्चे बैठ नहीं पाएंगे। 20 करोड़ आपने बेरोजगारों को लूट लिया। रिजल्ट जून में आएगा किसी एमए वाले बच्चे का, बीएड वाले का जुलाई में आएगा, और आप जनवरी में परीक्षा करके धूल झोंकना चाहते हो कि हम कद्दापी नहीं होने देंगे, कुछ भी कर लेना, लाठी चला लेना, गोली चला लेना, जेल में डाल देना। एग्जाम की बात हो रही है भाइयों, एग्जाम की बात हो रही है, राजस्थान में फीस एक्ट लागू करने की बात हो रही है। चूंकि आप बच्चों को आज 21वां दिन हो गया, किसी बच्ची का पति लड़ाई कर रहा है, किसी की सास, किसी का ससुर, किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, इसलिए आपको दबाव आने की जरूरत नहीं। आप माँ बाप परिवार वाले रिश्तेदारों की बातों की पालना करो, आप घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा, आप जिद मत करो। आपको देखो देर हो सकती है भगवान के दरबार में, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ये गहलोत लटका के देर कर सकते हैं गहलोत साहब, लेकिन मैं न्याय लेके ही यहां से उठूंगा। गहलोत साहब, मैं निराशावादी नहीं हूं, मैंने जीवन में बहुत झटके खाए, मैंने बहुत चुनाव हारे, बहुत लाठियां खाई है, चोटी से एड़ी तक 1 इंच जगह मेरे शरीर पर ऐसी नहीं है जहां लाठी नहीं पड़ी हो, लेकिन मैंने ये बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे इलाके का किसान, जवान या बहन बेटी की इज्जत लूटे। डॉक्टर किरोड़ीलाल उस समय पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस को कह देता है कि चाहे मेरी गोल चला के मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं सभी बेरोजगार छात्रों से, अभ्यर्थियों से, अंदर के मन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने घर लौट जाओ। नहीं, आपके पास एक दिन ऐसा समाचार आएगा जो आपको दिल खुश कर देगा। मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा, चिंता मत करो, लेकिन मेरी बात पर आप गौर करें। और जो मेरी खुद की फोर्स है, जो 40 साल से मैंने खड़े किए राजस्थान में, उनके बलबूते पर आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा, इस बात का आश्वासन। चाहता कि मेरे इस आंदोलन में निर्दोष निरीह बेरोजगार बच्चों पर मुकदमे लग जाएं, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार बेईमान है, सरकार भ्रष्ट है। आज आपने बयान पढ़ा होगा पुलिस कमिश्नर का कि हमसे परमिशन नहीं ली। अरे पुलिस कमिश्नर साहब, शर्म आनी चाहिए। आप सिविल लाइन से उठा के हमको यहाँ पर लाए और आप हाथ जोड़ के लाए, चलो मिन्नत करते रहे, आपके कहने पर हम यहाँ पर आए, और पुलिस का कमिश्नर बकवासबाजी करे कि परमिशन नहीं ली। परमिशन नहीं ली गहलोत साहब, आपकी पुलिस की बंदूकों में दम है तो मेरे पे गोली चलाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ।
स्मारक है, यहाँ चाहे हम शहीद हो जाएंगे लेकिन गहलोत की पुलिस से हंसने वाले नहीं। इसलिए जिन पे मुकदमे लगे वो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप पे मुकदमा नहीं लगा, वो मुकदमा डॉक्टर किरोड़ी लाल पे लगा है। उन मुकदमों को चाहे एक नहीं दर्जन पर लगा दे, 100 लगा दे, उनको निपटाने की जिम्मेदारी मेरी है। किसी के भी हाथ में हथकड़ी नहीं लगने दूंगा, चेन नहीं डालने दूंगा, क्योंकि इनसे भी ऊपर कोर्ट है, इनसे भी ऊपर अदालत है। तुम्हारे हाथ में डंडा है लेकिन अदालत के हाथ में क्या नाम है मिस्टर पुलिस वालों, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं, तुम्हारे बाप की सिविल लाइन नहीं, तुम्हारे बाप का ये शहीद स्मारक नहीं, ये जनता का शहीद स्मारक है। मेरी प्रार्थना यही है कि आप लौट जाएं। मैं अब इनकी नाक में दम करके ही दम लूंगा। गड़ीलाल किरोड़ीलाल 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 किरोड़ीलाल।